शिवसेना महिला कार्यकर्ताओं ने मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिवसेना महिला कार्यकर्ता ने बताया कि हमारी एक मांग मुल्तानपुरा में स्थित टायर फैक्ट्री बंद कराई जाए, जिसके कारण वायु प्रदूषण होने के कारण दो राजाराम फैक्ट्री बंद कर अन्यत्र स्थान पर स्थापित की जाए। तीन गांव खेजड़ी की महिला सुगनाबाई के साथ आंगनवाड़ी केंद्र पर हुए अत्याचार में उसी गांव का निवासी सुरेश धनकर ने महिला के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट भी की और जबरन महिला को शराब पिलाई। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हम सभी यही चाहते हैं कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यह ज्ञापन हम 11 सूत्री मांगों का कलेक्टर साहब को दे रहे हैं राज्यपाल के नाम, जिसमें 11 सूत्री मांगे प्रदेश अध्यक्ष सुनील जी शर्मा के दिशा निर्देशन, जिसमें टायर फैक्ट्री मुल्तानपुरा की बंद करवाई जाए, वायु प्रदूषण फैल रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, और राजाराम फैक्ट्री बंद करवाई जाए, अन्यंत्र स्थापित की जाए राजाराम फैक्ट्री, और तीसरा है एक जो है खेड़ा गाँव की महिला है सुगनबाई, जिसके साथ एक आदमी ने अनुचित व्यवहार किया, अत्याचार किया, मारपीट की, उसके मुँह में शराब डाली गई, इस प्रकार से उसको जो है अरेस्ट करवाने के लिए इस प्रकार से 11 मांगे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी है। आशा उषा कार्यकर्ताओं को 10,000 वेतन दिया जाए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को स्थायी किया जाए, जो खिलाड़ी है, विद्यार्थी जो छात्र छात्राएं खेलने जाती है उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। विद्युत लता गुप्ता, शिवसेना जिला प्रमुख। मैं आंगनवाड़ी बच्चों को पढ़ा रही थी, उस व्यक्ति ने आकर मेरे साथ मारपीट की और मुझे शराब पिलाई और मेरे साथ दुर्घटना भी की, छेड़छाड़ भी की मेरे साथ। वो धनगर सुरेश नाम है उसका, वहाँ खेजड़ी का मेरे साथ है ना, उसने मारपीट की, मेरा हाथ भी तोड़ दिया और सीन में भी मारा मुझे, और मेरे मुंह में शराब भी डाली और मेरे साथ छेड़छाड़ नहीं भी की। मैं उसको सजा दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ, कल वो दूसरी महिला साथ होगा। मैं आंगनवाड़ी में बच्चों को पढ़ा रही थी, कोई गलत काम तो नहीं कर रही थी ना, तो अभी तक हमारे विभाग वाले क्यों नहीं आए, क्यों नहीं हमारी सुनवाई हुई है ना। मैं तो आंगनवाड़ी बच्चे पढ़ा रही थी ना, कि मेरा नाम सुनना बन। मंदसौर से पीडी बरागी की रिपोर्ट। वॉइस ऑफ एमपी की मुहिम, बेजुबान पक्षियों के लिए दान करें सकोरे या फिर अपने मकान के छत पर रखें सकोरे, भीषण गर्मी में सुने इनकी फरियाद।